इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। माननीय संदीप जी हमारे बहुत सुयोग्य महापौर और विधानसभा, आप माननीय इस अवसर पर SCS मैडम घाटे, मैडम स्मिता घाटे जी, हमारे रवि जी, सोनी जी और आप सब। वर्तमान का दौर तो ऐसा लग रहा परमात्मा की दया से क्या समय आया है, और ये ओलंपिक्स माने ध्रुव भैया भी सामने बैठे हैं, बाकी सारे मित्रगण बैठे हैं, महापौर जी जबलपुर बैठे हैं, हमारे ओलंपियन पप्पू भैया, पुराने महापौर के अध्यक्ष, क्या थे आप शर्मा जी, महापौर, महापौर पूर्व महापौर सुभाष जी, इस अवसर पर सारे के सारे हमारे अपने मित्रगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, दो तीन चीजें एक साथ हुई है। अभिनंदन समारोह तो हुआ ही, आज यहाँ शंखनाद युवा खिलाड़ियों के नए आगामी समय का, जिनके माध्यम से मध्यप्रदेश खेल के मामले में पूरे देश में सबसे आगे जाएगा, ये विश्वास भी मुझे ध्यान में आया, क्योंकि विश्वास अनुप्रास अलंकार के लिए बोल रहा हूं, हिंदी में अनुप्रास अलंकार एक शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकलते है ना, तो हमारे बीच में विश्वास जी को खेल की बागडोर इसलिए दी है कि आपका विश्वास, खेल का विश्वास, नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, तीनों जगह विश्वास कायम रहे। मध्य प्रदेश आपके मंत्रालय के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधा दिलाते हुए खेल के इस अनंत आकाश में अपनी ऊंचाइयों को हासिल करे, अपने खिलाड़ियों के भरोसे से भारत माता का झंडा बुलंद करे, हम सबको गौरव और गर्व का मौका दे। कई कई कारणों से मध्यप्रदेश में अभी इसकी बहुत गुंजाइश, और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से नई शिक्षा नीति में खेल को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, ये बहुत ऐतिहासिक कदम। भारत वो देश है जहां खेल की कितनी महत्ता है, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जहां खेल को इतनी मान्यता दी। हमारे यहां तो विवाह भी स्वयंवर से होते, बिना खेल के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाए विवाह करने का भी अधिकार नहीं रखते थे। ये हमारे महाभारत के अर्जुन का ऊपर का आप प्रसंग देखिए, जब उनने अपनी श्रीमती का वरण किया, भगवान राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम हम सबको मालूम, और एक नहीं दो नहीं लगातार धनुष का, परशुराम जी का किस्सा सबको मालूम होगा, लेकिन धनुष तोड़ करके भगवान ने जो अपना पुरुषार्थ दिखाया, पराक्रम दिखाया, और ये पराक्रम के ही परिणाम है कि 17 लाख साल पुरानी बात है या 300 साल पहले रानी दुर्गावती का इतिहास, 150 साल पहले झांसी की रानी का इतिहास, हमारे यहाँ की माता बहनों ने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से भारत माता का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, यह एक नहीं अनेक बार हुआ। और हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के आगे बढ़ते हुए कदम देख रहे हैं, एहसास हो रहा हमको। वो गया जमाना जब ओलंपिक में खाली हाथ आते थे, धीरे धीरे कुश्ती ने लाज बचाई कि कोई को पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कुश्ती का एक पुरस्कार तो पक्का पक्का है ओलंपिक। और कबड्डी में भारतीय देसी खेल एशियाड में कोई किसको मिले नहीं मिले, कबड्डी को तो मिलेगा ही मिलेगा, ओलंपिक में नहीं होता था तो कुछ समय पहले मजाक बनता था कि भैया कबड्डी को ओलंपिक में डलवा दो तो एक पुरस्कार उधर पक्का हो जाएगा, लेकिन कबड्डी भी कम नहीं है और ना कुश्ती कम है, कबड्डी कुश्ती के अलावा भी हमारे अपने सारे खेलों में अब जो समय आया, और कितना केवल एक व्यक्ति के बदलने से, व्यवस्थाओं के सुधार करने से, मन की इच्छा शक्ति से और सबकी संकल्प शक्ति से, और जो खिलाड़ी इसके लायक है उनको अवसर प्रदान करने कारण से हम सब देख रहे लगातार कितने पुरस्कार आ रहे हैं। और अब केवल वो पुरस्कार जो ओलंपिक में है वो नहीं, सभी प्रकार के खेलों में अब महिला हॉकी, पुरुष हॉकी, महिला क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट, 18 साल के कम वाले खिलाड़ी वाला मामला हो, कोई क्षेत्र में
और हमने भी सरकार में रहते रहते नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के जो शिक्षक है वो केवल एक्टिविटी के शिक्षक माने जाते थे, अब हमने उसको खत्म कर दिया। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनते हुए वाइस चांसलर तक जाएंगे, सभी प्रकार के प्रमोशन में उनका भी ध्यान रखेंगे। ये नई व्यवस्था में खिलाड़ी और खिलाड़ी को जो पूरा समय देने वाले, पसीना बहाने वाले, ये प्रशिक्षकों के लिए क्यों सम्मान नहीं होना चाहिए? बगैर प्रशिक्षण के कैसे हो सकता? और इसीलिए सभी प्रकार के, अभी हमने अपनी कैबिनेट की पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि एक कॉलेज, एक जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनेगा जिसमें सभी प्रकार के खेल की सुविधा उत्पन्न करते हुए सारी व्यवस्थाओं में अपना प्रदेश नंबर वन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 55 ही जिलों में हमने निर्णय किया और जिस प्रकार का समय चल रहा है, कल माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि वो अभी आजकल की नहीं, अमृत काल की बात करते करते कितना दूर का सोचते हमारे नेतृत्वकर्ता, अंदाज लगा लो। उनने कहा कि हम 1936 में जो खिलाड़ी जाएंगे उनकी तैयारी भी अभी से करा रहा हूं, 1936 में, हाँ 2036 में, 2036 के ओलंपिक की तैयारी, और तो और उससे आगे वाली बात। उनने ये भी कहा कि हमारी मेजबानी उसके 5 साल बाद आएगी, 4 साल बाद, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो 2040 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कब आएगी 40? अभी कोई मजाक समझते लोग क्या, कल का ठिकाना नहीं, 5 साल का ठिकाना नहीं। लेकिन ये खिलाड़ियों को तैयार अगर करना है तो इसी प्रकार से तैयार किया जा सकता कि 10-20 साल मामूली बात, लेकिन टैलेंट पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इसलिए अगर समय रहते उनकी चिंता करें तो निश्चित रूप से ये जो अपनी प्रतिभाएं हैं ये भारत का मान बढ़ाएगी, सम्मान बढ़ाएगी। और ये केवल माननीय मोदी जी के माध्यम से नहीं हो सकता, आपकी अपने उसके प्रति अपनी जो निष्ठा है, लगन है, आपकी संकल्प शक्ति है, ये उसमें अत्यंत आवश्यक। और ऐसे में सरकार के माध्यम से सरकार आपको संसाधन दे सकती, व्यवस्था में सहयोग कर सकती, खेल का मैदान दे सकती और बाकी जो जरूरत पड़ता होता आपको पीछे से समर्थन दे सकती। इसलिए विश्वास जी ने एक दो सुझाव दिए, मैंने दोनों पे हाँ कर दी। आपने कहा केवल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसकी बात नहीं करेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग विभाग, हमारा उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ये सब विद्यार्थी कहां से आ रहे हैं? ये खदान तो हमारी वही है, तो निश्चित रूप से उनको जोड़ते हुए और इससे जुड़े हुए और भी किसी विभाग को जोड़ना है, सभी प्रकार की अकादमी, जो जो भी अकादमियां हैं, इनके सबके साथ मिलकर सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। और आपने कहा कि अनुदान आपका बंद है बहुत दिन से, मेरे को ये मालूम पड़ा, सही है क्या? तो सभी संस्थाओं का अनुदान भी पूरा पूरा दिया जाएगा, कभी कोई रुकेगा नहीं। और आधुनिक संसाधन के साथ जो ग्राउंड पे आपको जरूरत लगेगी वो सब संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। रमेश जी ने कहा ओलंपिक संघ को भी कुछ मिलेगा, हमने कहा बिल्कुल मिलेगा। ओलंपिक संघ कहाँ जाएगा? 11 लाख रुपए आपको सीएम फंड से देने की घोषणा करता हूँ, ओलंपिक संघ के बजट में भी पैसा पहुंचेगा और कोशिश करेंगे हर साल पहुंचे। वैसे आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये आपके माध्यम से आपके समर्पण का सम्मान, पैसे का महत्व नहीं, महत्व इस बात का है। सरकार को लज्जित होने की जरूरत नहीं, सरकार के सामने बात रखते थे रमेश जी हमेशा, हमारी बैठक करा दो, हमसे मिला दो, हमको ये करा दो, लेकिन उसके अभाव में कभी काम नहीं रुका। इस बात का मैं सम्मान करता हूं, इस बात की इज्जत करता हूं, संगठन ने हर बार दुपर साहब हो, सोनी जी हो, रवि जी हो, क्यों बात रखते थे कि भैया कब कराओगे, तुम्हारी सरकार चल रही। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे खेल संगठन ने ओलंपिक संघ के बैनर तले पहले सरकार के नेतृत्व में भी कीर्तिमान बनाए और अब ओलंपिक संघ और सरकार मिलकर के चलेगी तब भी नए कीर्तिमान बनेंगे, इस उम्मीद और आशा विश्वास के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर नेशनल गेम, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया, भर भर पे आप तारीख रख लो, मैं कोई मना करने वाला हूं क्या? आप कराओ ना नेशनल गेम, हमको क्या मना है, हमारे को तो मेजबानी करना है, है? और क्या है, तो मालवा, मालवा, महाकौशल, विंध्य, चंबल सब हमारा ही है, तो
बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से और भी इसके अलावा याद आ जाए बाद में भी, तब भी मैं यही हुआ साथ में, आप बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, कृपया अपना स्थान वहीं रखें, बैठे रहें। धन्यवाद के दो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बोले, उससे पहले एक विनम्र आग्रह है कि पहले धन्यवाद ज्ञापन होगा, फिर सभी जो हमारे खेल संगठनों के पदाधिकारी, ओलंपिक संघ के पदाधिकारी हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंच का एक फोटोग्राफ होगा। हाँ हाँ, उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ होगा। फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से प्रस्थान करेंगे, उसके बाद हम सभी जाएंगे। अब आग्रह के साथ सह सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री प्रशांत कुशवाहा जी से निवेदन है कि आप आभार के दो शब्द कहें। भारत माता की। आप लोग खिलाड़ी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खिलाड़ी हैं, और आप सब माननीय विजयवर्गीय जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, सारंग जी भी हैं। अपनी ताकत से लगना चाहिए कि भोपाल और मध्य प्रदेश के सारे खिलाड़ी, जैसे आप मेडल लाए हैं, उतनी आपकी आवाज में ऊर्जा होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। दैट्स लाइक माई बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड सीएम मोहन भैया, जिन्होंने आज जब आप विधायक थे तो इंदौर उज्जैन में उत्सव कराया करते थे एक पानी का, हमको हर बार फोन करके बोलते थे कि आकिंग कैनोइंग से मैं जुड़ा हुआ हूं, कि आप अपनी बोट लेके आइए यहाँ पे, नेशनल्स कराइए। विशेष तौर पे आके वो बच्चे जो जाते थे, उन बच्चों की पूरी व्यवस्था देखना, उनको खाना मिला के नहीं, उनको पानी मिला के नहीं, उनको कैसे रहेंगे, कहाँ करेंगे। वैसे आज हमारे बीच मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही ये भारत के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो अपने नाम श्री मोहन यादव जी के नीचे लिखते हैं अध्यक्ष कुश्ती संघ मध्य प्रदेश। तो मैं विशेष तौर से ऐसे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। माननीय विजयवर्गीय जी जब हमारे सचिव थे भारत के, बीजेपी के अभी भी हैं, जब भी मीटिंग्स होती थी ओलंपिक के लिए, आप विशेष तौर से आते थे हमारे बीच में, जबलपुर हर मीटिंग में रहे, और आज जिस तरह से हम लोगों को यूनाइटेड रख के रखा हुआ है, मैं माननीय विजयवर्गीय जी का धन्यवाद देता हूं, और यहां पर उनका स्वागत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। साथ ही विश्वास भाई जैसा एनर्जेटिक लीडर हमारे बीच आज की तारीख में नहीं है, जो युवा शक्ति है विश्वास भाई, और जिन्होंने अभी मीटिंग में कहा भी कि जो हमारा फ्यूचर है, जिसको हम लोग एक मंथन करके एक जिस तरह से खेलों को बढ़ाया जाएगा और आगे उसको मूव किया जाएगा, विश्वास भाई को विशेष तौर से धन्यवाद। साथ ही रमेश मेंदोला जी, दिग्विजय सिंह जी, जो कि हमारा इसको 11 साल से ओलंपिक संघ को लीड कर रहे हैं, बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ज्यादा मेडल्स, जाना आना सब कुछ साथ में, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद। साथ ही डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ गोवा में थे, हर मेडल पे बैठे हुए थे, गुप्ता जी के मेडल लाओ कैसे भी 100 को पार करना है, ऐसे डायरेक्टर, ऐसी मैडम हमारी जो सचिव महोदय है भरद्वाज मैडम, आप सभी का धन्यवाद है कि आपने हम लोगों को समय दिया और आप यहाँ पर पधारे, और हम आपसे बहुत उपेक्षा रखते हैं। जैसे विजयवर्गीय जी ने कहा कि सीएम साहब से कुछ मांगना नहीं है, मैं उसको ऐड करते हुए कहूंगा हमारी लड़की प्राची यादव है जो बच्ची खेलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया है, 10 दिन पहले ही 1.5 करोड़ रुपए उसके खाते में गए हैं खिलाड़ी के, और आगे भी वो मेडल ओलंपिक्स के लिए जाएगी, तो उसको और आप भी जाएंगे, जैसा सबने कहा कि आप खेलें, प्रदर्शन करें, तो ऑब्वियसली स्टेट इज देयर फॉर यू। माननीय धूपड़ साहब, सोनी जी।